Yo, yo. चार बज के दो मिनट हो रहा है देखो भाई जी, इस टाइम हम चूड़दार में यहाँ पे सुनो पड़ी हुई है काफी। रात को टेम्परेचर काफी गिर जाता है, तो मेरा तो स्लीपिंग बैग गिल्ला हो गया थोड़ा। मोदी तेरा गिल्ला हुआ स्लीपिंग बैग? स्लीपिंग बैग का बता, नीचे से गिल्ला भाई। हाँ, इसका नीचे से मतलब कि जो मैट होता है वो हल्का सा गिल्ला हो गया। वो इसलिए हो गया ना क्योंकि नीचे जो फोम लगाई थी हमने छोड़ दी थोड़ी सी। चाय कॉफ़ी बनाएंगे, मैगी मूगी खाएंगे, उसके बाद में और तो यहाँ कुछ मिलना नहीं है। मिलेगा तो चावल और दाल ही मिलेगी, और तो क्या मिलेगा, है ना। कौन से ब्रश नहीं करा पा आने जाती। मिल्क पाउडर आज इसकी जैकेट उतराएंगे। तो भी अपनी चाय बन के तैयार हो गई है, पीने के लिए रेडी हो गई है। गुड मॉर्निंग टी इन चाय का प्याला। हवा देखो गाइस कितनी तेज चल रही है और टाइम हो गया सुबह के 6। तो दोस्तों आपको व्यू दिखाता हूँ मेरे टेंट से कैसा व्यू दिखता है। बड़ा धुंधला धुंधला दिखता है। एक बात है, हमने थोड़ा इसमें लेंटर के नीचे लगा लिया, नहीं तो ये तो पूरा अल्लाह हो लेता। वही सही कह रहे हैं। 6:30 हो रहे हैं और सूरज निकल गया है। तो भाई साहब सारा सामान पैक कर लिया है, बस अब इनको बाहर निकाल रहे हैं। टेंट को भी पैकअप करेंगे अब। मैं इनको बाहर निकालो, बाहर रखो इनको। तो भैया सारा पैकअप हो चुका है, बैगों को रखेंगे नीचे और फिर जाएंगे हम ऊपर चूड़दार का ट्रैक करने के लिए। तो भैया बर्फ ठोस हो चुकी है सुबह सुबह, अब स्लिप होने का ज़्यादा डर रहेगा। तो सामान हम वहाँ पे रखेंगे, एक बैग ले लिया है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होगा। तेरी व्यू देखो गाइस सुबह सुबह का। हट जा हाँ भाई जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग भाई जी। और बस बढ़िया। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप लोग, आए आप सब अच्छे होंगे। नया दिन नया सवेरा चूड़दार के अंदर हमारा हो रहा है। और ये देखिए बर्फ़ पूरी सख्त हो चुकी है। हम वैसे नीचे से आए थे ना, ये देखिए नया रास्ता बना हुआ है। यही चीज़ तो बिचलाती है फिर, है ना। चूड़ेश्वर सेवा समिति बंद है ना मोदी, ये बंद है। तो भैया अभी ये बंद है, देखते हैं कब खुलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ऊपर टाइम हो गए हैं 7:35। वो कंफ्यूजन से रास्ता होगा मोदी, नीचे उतरना है। तो भैया शिवलिंग के लिए हमने चढ़ाई शुरू कर दी है, ऐसे नीचे से आना चाहिए था थोड़ा देख के भाई। यार ये तो गलती हो गया। हर हर महादेव। बम बम बोल बम। तो दोस्तों व्यू देखो कितना प्यारा, पूरी है ना पत्थर पूरा कटा हुआ। सो गाइस रास्ते देखो कितने पतले हैं, पैर स्लिप हुआ और आप नीचे। वो कुछ बंदे ऊपर पहुंच भी गए हैं। सांस चढ़ रहा है यार,
क्लियरली बोला भी नहीं जा रहा। काटो चुप रहे, नहीं ना दियो, यहाँ फोटो खींचते हैं यार। ओहो व्हाट अ वी मैन, हर हर महादेव। सुबह समय से ऊपर चढ़ना, पैर गाड़ गाड़ के भाई। अब मेरी बारी, अब मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मुझे अपने दोनों हाथ, और वो देखो पैर देखो कितना घुस गया। ये दिक्कत होती है यहाँ पर, ये नहीं पता कि खाई कितनी है, नीचे को बर्फ़ कितनी है बर्फ़ के अंदर। सो बहुत केयरफुली जाना पड़ेगा। सो गाइस बड़ी मुश्किल से चढ़े, हाथ ठंडे हो गए। देखिए भाई तो अपनी मंजिल कुछ कदम और, चल चल चल। और देखिए मुश्किल कुछ नहीं है, मेरे को जाने दे, रुक जा अमित, दोनों ही। तो भी अब फाइनली पहुंच गए, पत्थर के ऊपर से आना पड़ा क्योंकि ये रास्ता तो पूरा बंद हो रखा है। कुछ कदम और ऊपर पहुंच जाएंगे। तो भाई यह जो है, जो शिव कुल बने हैं, ये देवता ये शिव का ही रूप है कोई, तो शिव से बने हुए हैं। ओके, तो चूड़धार, ये चूड़धार चूड़िया दानव से पड़ी है, उसने चिनाई कर रखी है पत्थर की, उस स्वर्ग के लिए जा रहा होगा। चाह यहाँ ही था, यहाँ तो राक्षस रहता था, अब आ गया शिरगुलिया, शिरगुल आ गया तो उसको लोहे के गले डाले, बिजली डाली, उसको बेटा भगा दिया, इस खड्ड में आ गया, इसके पीठ के पीछे ऐसी ऐसी लगे खड्ड को, फिर उसको भगा दिया कि, और यहाँ जो है मंदिर बनाया, पुजारी लगाए, और हमारी फैमिली से तो पुजारी बुलाया, मंदिर बनाया। अब शिरगुल महाराज उसमें लोप हो गए लिंग में, बेटा पहले तो मनुष्य थे और एकदम उनकी लिंग बन गई, कहाँ मंदिर में नीचे। ये कहानी है बेटा, यहाँ से शिर से शिरगुल बना, चूड़धार जो है चूड़िया दानव राक्ष की थी पहले, ये फिर शिरगुल यहाँ रह गए और अपना स्थान बना दिया। जय शिरगुल महाराज, जय हो शिरगुल, जय जय भोलेनाथ। सो भाई साहब हमें 11,965 फीट पे चूड़धार पीक पर, और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, दिखाता हूँ। सो गाइस 9 बज चुके हैं सुबह के, तो भैया चढ़ना जितना आसान था थोड़ा सा, उतरना उतना ही मुश्किल है। तो दोस्तों नीचे की तरफ जा रहे हैं अब हम, गिर गया। बैलेंस नहीं बन पा रहा भाई, एक तो बैग में इतना वजन है। अबे हाँ तो गए इधर, माय गॉड मजा आ गया, जाना इधर को। हाँ वो गया, देख ऐसे करो, ऊपर से चलो। तो जी लास्ट व्यू, बस अब निकल रहे हैं हम यहाँ से, जय भोलेनाथ। बर्फ ज्यादा संजीव, देख 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 चोट लगी। हाँ मर गया, मैट
सुन हो गया मर गया रे सही कह रहा है। सो गाइस इधर से आए हम, तो भैया पूरा एडवेंचर किया जा रहा है, जाते हुए भी रहते हुए भी। ये देखो अब वापिस जा रहे हैं, शांति कितनी है। हाउ इज द जोश जवानो, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, आवाज नहीं आ रही कुछ, हाउ इज द जोश। यही बैग पकड़ ले भैया, सुबह से चाय पिए बस, मैगी बनाएंगे अब तो। यार उधर हवा चल रही थी इसलिए इधर को आगे मैगी बना रहे अब, इसलिए यहाँ पे लगाया अपना बर्नर वगैरह सेटअप करा यहाँ पे। तो अभी अपनी मैगी बन के तैयार होने वाली है बस। सो गाइज मैगी इन माउंटेन्स, गरम गरम मैगी, हा हा हा, हाथ जल रहा मेरा। तो भैया हम तो मैगी खा रहे हैं, आप भी खा लो। लो ये देखो गाइज, फुल एडवेंचर किया जा रहा है, कुकिंग सुकिंग हो रही है। तो दोस्तों पहुँच गए फाइनली नीचे, जहाँ से हमने अपना ट्रैक शुरू करा था। ये देखिए भगवान की दया से अच्छा खासा ट्रैक हो गया हमारा। जय भोलेनाथ। तो भैया बाल देखो कैसे हो गए, आंखें भी सूज गई हैं, और टाइम हो रहा है 8 बज गए रात के, लाल हो गया के घर पे। तो हम पंचकुला पहुंच गए सही सलामत भगवान की दया से। जय बाबा की।